हमारे पार्टी के आम कार्यकर्ता, हमारे पार्टी की सिपाहियों ने जिस जोश, जिस उत्साह से आज ये रामलीला मैदान पहुंचे हैं, इसमें एक नए ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी को अगले तारीख हिंदुस्तान में उभारने की ये सबसे बड़ा साबूत महसूस हम करते हैं। ये देखना है कि आज की तारीख में ये रामलीला मैदान से हम क्या शपथ लेते हैं और अगले तारीख हम किस हद तक पहुंचेंगे। आपको शायद ये जानकारी होंगे कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अगले 7 तारीख से हिंदुस्तान की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा शुरू होने वाला है। राहुल जी खुद 3,500 किलोमीटर की रास्ता पैदल यात्रा करते हुए सफर करेंगे। उसी समय भी हिंदुस्तान की हर कोने में आज जैसा कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता को इस तरीके से जोश और उत्साह दिखाने की जरूरत होगी। इसलिए मैं शुरू से ही ये कहना चाहता हूं कि आज जैसा दो जोश आपने दिखाए हैं राहुल गांधी जी की वो ऐतिहासिक कदम पे 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा में इसी तरीके की होश और उत्साह आप दिखाओगे। राहुल गांधी जी के साथ कदम में कदम मिलाकर हम जहां रहे राहुल गांधी जी को साथ देंगे। आज ये हम सब शपथ लेते रहेंगे। मोदी जी की पार्टी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी जी की पार्टी कहते हैं सबके साथ सबका विकास। मैं कहता हूं बीजेपी पार्टी आज आपका नारा बदल दो तो बेहतर होगी। मोदी है तो मुमकिन है कि बदले, ये नारा बदलना चाहिए और नया नारा लगाओ बीजेपी पार्टी कि मोदी है तो महंगाई है। राहुल जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आज की राजगद्दी से ये महंगाई की रावण को उतरना जरूरी है। राहुल जी समाज को जोड़ने की संघर्ष करते हैं, मोदी जी समाज को तोड़ने की साजिश करते हैं। राहुल जी के साथ यही फर्क है। इसलिए कांग्रेस वर्करों को यही बोलना चाहते हैं मैं कि न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। राहुल जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज की सरकार सिर्फ 2 लोगों की मदद करते हैं। बीजेपी पार्टी आज हम दो और हमारे दो की पार्टी में तब्दील हो चुके हैं। आपको सुनने में अचरज होगी कि बीजेपी की जमाने में दुनिया के 3 नंबर में पहुंच गए हिंदुस्तान की करोड़पति अदानी साहब, जिनकी हर हफ्ता कमाई 6,000 करोड़ रुपया। आपकी कमाई बाजार में जब जाते हैं जेब खाली हो जाते हैं, थलिया नहीं भरती। फिर आप महंगाई की संघर्ष जब हम करते हैं, हमारे खिलाफ ये सरकार तरह तरह की पाबंदी लगाते हैं। मैं बात खत्म करना चाहते हैं इसलिए कि राहुल गांधी जी सदन आज मंच पे आ चुके हैं। सिर्फ जाते समय एक बात, छोटी सी एक बात रख के मैं अपना बात को विराम देंगे, वो ये है कांग्रेस पार्टी में आना आसान है, कांग्रेस पार्टी से जाना भी आसान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में टिके रहना सबसे कठिन है। आज ये सिपाहियों ने कोई पोत की मोहताज पे ये रैली में नहीं शामिल हुए हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने आए 2 रोज के लिए, किसी ने 2 कदम चलते ही सांस भर लिए, पर जिंदगी का दूसरा नाम है दरिया, वो तो बस बहते रहेंगे चाहे रास्ते पे फूल गिरे या पत्थर। तो कांग्रेस एक दरिया है, कोई भी यहां आ सकता है जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ये बहता हुआ दरिया हिंदुस्तान की सब लोगों को एक साथ लेकर आगे जाएंगे, मकसद पहुंचेंगे और मकसद में पहुंचते हुए कांग्रेस अपना कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। भारतीय जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आप सबको तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार।